हेलो फैमिली, मोहम्मद रफी साहब को अपने गाए हुए एक गीत के लिरिक्स बिल्कुल ही पसंद नहीं आए थे, लेकिन उन्हें गाना पड़ा था ये गीत को। YouTube पर सबसे पहली बार आज की ये कहानी आप सभी के लिए। मैं जितेश दवे और आप सब देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल दिल से दिल तक जेडी। आप सभी को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मोहम्मद रफी साहब द्वारा गाए हुए अपने हजारों गीतों में से रफी साहब को एक गीत रिकॉर्डिंग के दौरान दिली ख्वाहिश ये नहीं थी कि इसी अल्फाज को मैं गाऊं। वो चाहते थे कि इस गीत के लिरिक्स को कुछ हद तक बदल दिया जाए, लेकिन मोहम्मद रफी साहब का उस दौर में वो स्टेटस नहीं था। वो फिल्म इंडस्ट्रीज में थोड़े नए भी थे, लेकिन उनके अंदर का इंसान उसे ये अल्फाज गाने के लिए परमिशन नहीं दे रहा था। उन्होंने अपने गुस्से का, नाराजगी का इजहार भी किया, लेकिन नौशाद साहब ने उनके इस सजेशन को रद्द कर दिया था और उन्हें गाना पड़ा था कुछ बिना खुशी के। साल 1946 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था अनमोल घड़ी। अनमोल घड़ी के सारे गाने बड़े ही सुरीले बनाए थे नौशाद साहब ने। इस फिल्म का एक गीत था तेरा खिलौना टूटा बालक। गीत के लिरिक्स लिखे थे तनवीर नकवी जी ने। तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा। वैसे तो तनवीर नकवी जी ने तेरा खिलौना टूटा बालक इस गीत को बड़े ही खूब अंदाज में लिखा था। जिंदगी जीने के गुर बड़े ही आसान लफ्जों में उन्होंने लिखे हुए थे, लेकिन इस गीत को थोड़ा लाइटर वे में रखने के लिए उन्होंने एक लाइन को लिख दिया था, पीले बीड़ी खाले पान। बचा ले अपने घर की शान, पीले बीड़ी खाले पान। ये वर्ड्स रफी साहब को कुछ हद तक कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपना एतराज भी प्रदर्शित किया कि इतने खूबसूरत गीत में ये अल्फाज कुछ हद तक सूट नहीं करते। तो रफी साहब का जो स्टेटस था साल 1946 में उतना एस्टैब्लिश्ड था नहीं, वो उतने सेटल भी नहीं थे हिंदी फिल्म जगत में, बड़ा ही कम काम मिला करता था। तो रफी साहब के इस सजेशन को नौशाद साहब ने और तनवीर नकवी जी ने भी रद्द फरमा दिया कि नहीं, आपको जैसे भी ये अल्फाज को लिखा गया है आपको उसी तरह से गाना है। बहरहाल रफी साहब ने पीले बीड़ी खाले पान को गा तो दिया, लेकिन उनको ये अल्फाज पूरे जीवन तक कन्विंस नहीं कर पाए थे कि उनके मुंह से ये क्या गवा दिया गया। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आजकल के दौर पर कई ऐसे अल्फाजों के साथ गीतों को लिख दिया जाता है, जैसे कि बीड़ी जलेले जिगर से पिया, जिगर मां बड़ी आग है, दम मारो दम मिट जाए गम, बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू। ऐसे सब अल्फाज जब लोग बड़े ही इजीली सुन लेते हैं और गुलगार गा भी देते हैं, लेकिन साल 1946 में भी रफी साहब की सोच इतनी साफ थी कि उनके मुंह से कोई ऐसा वर्ड निकल ना जाए दौरान रिकॉर्डिंग कि लोगों के दिमाग पर कोई गलत इंपैक्ट आ जाए। ये थे मोहम्मद रफी साहब। वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का। वक्त और समझ सिर्फ किस्मत वालों के पास ही एक साथ आते हैं।
क्योंकि जब वक्त होता है तब समझ नहीं हुआ करती, और जब समझ आने लगती है तब कई बार वक्त गुजर चुका होता है। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी रफी साहब की जीवन यात्रा से जुड़ी हुई बिल्कुल ही नई कहानी? हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए इंतजार करेंगे हम, क्योंकि आपके कमेंट्स के जरिए हमें पता चलता है कि कैसे मूड से जुड़े हुए एपिसोड्स को देखना आप पसंद करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताजा सी कहानी के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।